हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में लेसन 4 स्किल एट वर्क, इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम पहले रीड आउट कर चुके हैं, हम इस चैप्टर को 2 या 3 पार्ट में रीड आउट कर चुके हैं। आज हम देखते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन करेक्ट है उसको हमें टिक आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आई मेक क्लॉथ ऑन ए लूम। आई मतलब मैं, मेक मतलब बनाता हूँ, क्लॉथ कपड़े, ऑन एक लूम, एक लूम पर मैं कपड़े बनाता हूँ, तो इसमें से कौन सा है जो लूम पर कपड़े बनाता है, क्लॉथ बनाता है? वीवर, बार्बर, टेलर। वीवर जुलाहा, बार्बर नाइट, टेलर दर्जी। तो इसमें जो कपड़े बनाता है, टेलर तो कपड़े सिलने का कार्य करता है, जबकि कपड़े बनाने का कार्य कौन करता है? वीवर जुलाहा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा? वीवर। आई मेक क्लॉथ ऑन ए लूम इज वीवर। ए पोटर मेक्स पॉट्स विद। ए पोटर, एक जो कुम्हार होता है, पोटर होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मेक्स बनाता है पॉट्स बर्तन विद, वो किसके साथ मिट्टी के बर्तन बनाता है? सैंड, क्ले, मड। तो इसके अंदर आएगा क्ले। क्ले क्या होती है? चिकनी मिट्टी। सैंड बालू मिट्टी होती है और मड होता है थोड़ा सा गारा या कीचड़ टाइप से। तो इसमें क्या आएगा? क्ले आएगा। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी। वो चिकनी मिट्टी से पोटर्स होता है जो पोट बनाता है। नेक्स्ट है, आई कार्व आउट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वुड एंड स्टोन। आई कार्व आउट मतलब मैं उकेरता हूँ, कार्व आउट मतलब उकेरता हूँ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को, फ्रॉम वुड्स, जो लकड़ी और स्टोन की वस्तुएं होती हैं उन पर मैं कलाकारी करता हूँ या उन पर उकेरता हूँ, आकृतियाँ उकेरता हूँ। तो वो कौन होता है? पायलट, जो हवाई जहाज चलाता है। डेंटिस्ट, जो दांत की चिकित्सा करता है, दांत का इलाज करता है। स्कल्प्टर, स्कल्प्टर होता है मूर्तिकार। तो इसके अंदर आएगा आपका स्कल्प्टर, इसको हम टिक करेंगे, क्योंकि जो स्कल्प्टर होता है वो वुड और स्टोन के ऊपर क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स बनाता है, कर्व आउट करता है किसी प्रकार की, जैसे पत्थर पे या फिर स्टोन या वुड पे क्या बनता है? मूर्ति बना देता है, उसको अलग अलग प्रकार के चित्र उस पर उकेर देता है, उसको बोलते हैं स्कल्प्टर। क्या बोलते हैं उसको? स्कल्प्टर। नेक्स्ट है, जया नीड्स टू गेट हर शूज रिपेयर्ड, शी विल गो टू ए। जो जया है उसको नीड्स, आवश्यकता है, टू गेट हर शूज़ रिपेयर्ड, उसके शूज़ है ना उसको रिपेयर करने की आवश्यकता है, रिपेयर मतलब मरम्मत करवाने की आवश्यकता है। शी विल गो टू ए, वह जाएगी, कहाँ जाएगी? शी विल गो, गो जाना, टू ए, वो किसके पास जाएगी? बार्बर नाई के पास, कोबलर मोची के पास, वीवर जुलाहा के पास। वीवर जुलाहा, तो इसमें जाएगा कोबलर के पास, जो कि जूतों को ठीक करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ए फिल इन द ब्लैंक्स स्टिचेज आवर क्लॉथ्स। ए मतलब एक, स्टिचेज मतलब सिलना, आवर क्लॉथ्स हमारे कपड़े, हमारे कपड़े कौन सिलता है? तो इसमें आएगा टेलर। कौन सिलता है? टेलर। तो इसमें बढ़ेंगे टेलर, सॉरी एस हटा देंगे इसमें, इसमें ए आया ना इसलिए टेलर्स नहीं आएगा, टेलर आएगा। ए टेलर स्टिचेज आवर क्लॉथ्स, एक दर्जी होता है वो हमारे कपड़े सिलता है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स इज ए फेमस इंडियन शेफ। जो प्रसिद्ध भारतीय शेफ है उसका क्या नाम है? संजीव कपूर। कौन है? संजीव कपूर। जो संजीव कपूर हैं वो हमारे भारत के प्रसिद्ध शेफ हैं। नेक्स्ट है, ए ब्यूटिशियन यूजेज फिल इन द ब्लैंक्स टू ट्रिम आवर हेयर। हमारे हेयर को ट्रिम करने के लिए जो ब्यूटिशियन है वो क्या यूज़ करती? तो ट्रिम मतलब काटना, तो हमारे हेयर को काटने के लिए क्या यूज़ करती है? सीजर। तो इसमें आएगा सीजर, सीजर्स का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है, ड्राइवर मस्ट पोसेस ए। ड्राइवर के पास होना चाहिए, ज़रूरी है कि उसके पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। क्या होना जरूरी है? ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें लिखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस।
ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर के पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है ए फिल इन द ब्लैंक्स यूजेज ए जैक एंड व्रेंच टू रिपेयर ए व्हीकल। एक व्हीकल को रिपेयर करने के लिए, एक साधन को मरम्मत करने के लिए, ठीक करने के लिए एक पाना और जैक की आवश्यकता होती है। वो यूज़ करता है, कौन यूज़ करता है? मैकेनिक यूज़ करेगा। कौन यूज़ करेगा? मैकेनिक। तो एक मैकेनिक होता है, वो यूज़ करता है एक जैक और एक व्रेंच। व्रेंच पाना होता है टू रिपेयर ए व्हीकल, एक व्हीकल को रिपेयर करने के लिए। तो इसमें आएगा मैकेनिक। मैकेनिक होता है वो एक जैक और ब्रेंच को यूज़ करके एक व्हीकल को ठीक करने का कार्य करता है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे का पार्ट करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।